हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग थोड़ा टूर पर निकल पड़े। मेरे बीबी जैसे जाता हूँ, 5:05 बाकी है, ठीक है। एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ा हूँ, थोड़ा जल्दी निकलने की इच्छा था हम लोग। तो दीघा जाने का मन है, तो मतलब उदयपुर भी रह सकता हूँ, मतलब बीच के पास जो रिसोर्ट बना है वहाँ पर भी रह सकता हूँ और दीघा पर भी जा सकता हूँ। अभी को ठीक नहीं है तो निकल पड़ा हूँ। बहुत गर्म है अभी तो, गर्म मतलब कितना चल रहा है आप लोगों को सब पता ही है, 41-42 चल रहा है। एकदम पसीना पसीना हो गया हूँ गाड़ी में बैठ के। तो अभी जाना है तो दीघा, तो चलेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे कोलाघाट के सामने। तो देखते हैं आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। कोई हम लोग होटल बुकिंग नहीं है, जैसे हम लोग निकल पड़ते जाके बुक करेंगे, ठीक है, जैसे सुविधा मिलेगा। तो चलिए जाके देखते हैं कैसा वेदर है दीघा का, कितना गर्म है, कितना भीड़ होगा, रश होगा। तो आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टे विथ मी, चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए धूलागढ़ टोल प्लाजा, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए चलते सामने जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे कुछ कोलाघाट में। आने से पहले एक हमारा रेस्टोरेंट है, अगर खुला रहेगा तो ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो आगे जाके करेंगे, ठीक है। धूलागढ़ टोल प्लाजा क्रॉस कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके कोलाघाट के थोड़ा सा पहले, जहाँ पे हम लोग यहाँ से जाने से ही करता हूँ, न्यू घोष होटल एंड रेस्टोरेंट। तो आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में दिखाया, तो यहाँ पे खाना खाते हैं हम लोग, तो अच्छा खाना बनाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले भी दिखाया, जब हम लोग झाड़ग्राम जा रहे थे तो यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, देखिए रेस्टोरेंट का बहुत सारा चेयर बाहर भी लगा है, अंदर भी है। ये हम लोग यहाँ बैठेंगे बेबी सीट में, बैठ के खाना ऑर्डर करते, देखते क्या मिलता है, फिर आप लोगों से मिलते स्टे विद मी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए, अभी 7:10 बाकी है। तो अभी यहाँ से कोलाघाट कुछ ही दूर है, तो वहाँ से जाएंगे दीघा हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को कोलाघाट बीच दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, अंडा पोच और बटर टू सॉर्स किया, ठीक है। खाने से खा के निकलते यहाँ से, ठीक है, स्टे विद मी। खाना आ गया, बटर टोस्ट और एक पोच, ठीक है, दोनों का सेम। तो चलिए खा लेते, खा के फिर बात करते हैं, स्टे विद मी। तो अभी हम लोग के यहाँ पे खाना हो गया ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा था और अंडा पोच मेरा बहुत फेवरेट है, तो मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं, कोलाघाट का बीच दिखाएंगे। कोलाघाट पार करके बाएं तरफ जाएंगे दीघा के लिए, जैसा रूट बनता है। तो चलिए देखते रास्ता कैसा है। दिखाना भूल गया एक्चुअली, बीवी मतलब फ़ोन ऑपरेट कर रही थी, वीडियो ऑन करना भूल गया हो, तो वो मतलब हैवी ड्यूटी नहीं है। तो ठीक है, चलिए आने का टाइम आप लोगों को दिखा देंगे, मतलब कोलाघाट का बीच, ठीक है। इस लाइन से नजदीक पड़ता है, तो उस लाइन से जाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस में आएगा, लेकिन आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। ये सामने आ रहा है नंदा कुमार मोड़, ये दीघा यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पे खाने का दुकान सब कुछ मिलता है। यहाँ पे सामने जो रोटरी आ रहा है, एकदम घूम के हम लोग उस तरफ चल जाएंगे दीघा। ये नंदा कुमार मोड़ है, ये ठीक है, ये घूम के सीधा हम लोग दाएं तरफ जाएंगे, ये राइट साइड घूम रहा है। वहाँ से आए हम लोग, तो इस तरफ से सीधा एकदम दीघा, यहाँ से जाएंगे काथी, काथी होकर फिर दीघा, नंदा कुमार क्रॉस कर लिया हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टे विथ मी, दिखा रहा है हम लोग को नंदा कुमार से दीघा 86 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते आगे। तो यहाँ पे थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है,
रुके थोड़ा, ठीक है, चलिए थोड़ा चाय पी के आए थे। ये भी गाड़ी का बैटरी है, उसको पीना नहीं है, तो मुझे थोड़ा चाय पीना है, अच्छा नहीं लग रहा। चलिए चाय पीते थोड़ा देर। ये हाईवे है रीगा का, इधर से आ रहा है, सीधा जाएंगे इधर रोड से। ये चाय का दुकान है, थोड़ा चाय पीना है। अच्छा एक चाय दो। ये 10 रुपये करके भाड़ ले रहा है, ये चाय बन रहा है, लग रहा है अच्छा ही होगा। चाय पी लेते। ये देखिए चाय, ये चाय दे दिया, वो खा गया ना। वाह अच्छा बनाया चाय, मजा आ गया। ठीक है फिर मूड आ गया, अभी जाना है दीघा। ठीक है स्टे विद मी। चाय पीना हो गया तो अभी चलते हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। हाईवे में रुक के थोड़ा नारियल का पानी पी रहा है, बहुत मीठा है, 50 रुपीज ले रहा है इसका। देखिए इतना का 50 है, सामने देखिए खड़ा है, 50, 60, 80, 90 सब है। तो 50 का बोला अच्छा होगा, पानी मीठा होगा, अंदर में सांस होगा थोड़ा कम, तो अच्छा है, पानी मीठा है। मैं नारियल का पानी पी के फिर चलते हैं, ठीक है, आप लोग आगे दिखाएंगे। स्टे विद मी। हम लोग अभी कांथी पहुंच गए, ठीक है, तो कांथी आपको यहीं से जाना पड़ेगा, दीघा राइट टर्न लेना पड़ेगा, तो राइट में हम लोग ले लिया है, अभी सीधे जाएंगे असम में। दीघा है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, कांथी से दीघा का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप लोग बता देता हूँ कितना डिस्टेंस है। स्टे विथ मी, कांथी क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ से दीघा, कांथी से दीघा 32 किलोमीटर है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए स्टे विथ मी, आप लोग को दिखाते दीघा का गेट दिखाएंगे जब एंट्री करेंगे। चलिए स्टे विथ मी। दीघा एकदम पास है, यहाँ से 14 किलोमीटर दिखा रहा है, तो सामने गेट होगा दीघा का, आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग दीघा पहुंच गए, ठीक है, ये देखिए गेट है सामने, विश्व बांग्ला गेट। ये 1, 2, 3 दीघा एंट्री हो गए हम लोग, ठीक है। जाके हम लोग होटल देखना है, तो हम लोग बुकिंग नहीं किया है, तो होटल बुक नहीं किया, तो आगे ऐसे ही तो जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे जाके होटल लेते हैं, होटल लेके आप लोग को दिखाएंगे कौन सा होटल ले रहा है, क्या रेट है, क्या टैरिफ है, ठीक है। तो दोपहर को खाना वाना सब लंच करना है, अभी नहा धोकर धोके फ्रेश होना है, फिर शाम को निकलना है, ठीक है। तो चलिए आगे जाके होटल लेंगे, ओल्ड दीघा होके न्यू दीघा जाएंगे, तो हम लोग रहेंगे न्यू दीघा में, इच्छा है हम लोगों का। तो चलिए आगे चलते न्यू दीघा, पहुँचते डायरेक्ट, तो फिर आपको फिर कल के कल बाकी सब सैर कराएंगे, आप लोगों को सब घुमाएंगे। ये सामने ओल्ड दीघा है, ओल्ड दीघा होके न्यू दीघा जाएंगे। ये सामने सी बीच आ रहा है ओल्ड दीघा का, चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर बाद में आएंगे, गाड़ी से आप लोगों को दिखा देते हैं पहले। ये देखिए सामने सी बीच दिख रहा है, दीघा का सी बीच दिख रहा है आपको, हम लोग दिखा रहा हूँ, ये सी बीच होके जा रहा हूँ मैं, आप लोगों को बाद में सब दिखाएंगे आके। ये सी बीच का पार्किंग चल रहा है, मतलब ओल्ड दीघा पास कर रहा हूँ मैं, ये मार्केट है ओल्ड दीघा का, सारा खाने का दुकान इधर उधर पूरा होटल भरती, मतलब भरती है, सामने मार्केट है। ये दीघा का देखिए बस खड़ा है यहाँ पे, कोलकाता से जो दीघा का बस आ रहा है, ये सारा यहाँ पे बस
खड़ा है, वॉल्वो एसी वॉल्वो, ये ओल्ड दीघा में है, ठीक है। आपको आना पड़ेगा ओल्ड दीघा, न्यू दीघा से आपको पास नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुराना दीघा है। ये देखिए सब सारा बस खड़ा है यहाँ पे, और ये सामने स्टेट बस भी है, ये स्टेट बस जा रहा है, ये देखिए स्टेट बस, इसमें भी आप लोग जा सकते हो, स्टेट बस है। तो अभी हम लोग होटल में पहुंच गए दीघा का, ये होटल रॉयल व्यू है, ये अच्छा होटल है, तो हम लोगों को रूम पसंद आ गया, ठीक है। अभी लगेज उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, उठा के फिर आप लोगों को रूम दिखाएंगे। अच्छा होटल है, बिहेवियर अच्छा है, आप लोगों को फीडबैक देते रहेंगे क्या क्या है यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे है, सब कुछ है, सब फैसिलिटी है यहाँ पे, पहले अगर आके यहाँ पे ठहर रहे हो। तो अभी रूम पे जा रहे हैं हम लोग, ये रिसेप्शन है होटल का, तो यहाँ पे एलपी हो गया मेरा, तो ये रिसेप्शन है, बहुत ही अच्छा है। हेलो, तो लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, तो हम लोग का थर्ड फ्लोर है ना, रूम नंबर 300 है रूम नंबर, तो चलिए चलते लिफ्ट में। ये रूम है हम लोगों का, आओ दादा अंदर, ये साइड पे रख दो, बस हो जाएगा, बस बस बस। लैपटॉप ने रखा था चेयर है दादा, तुम्हारा नाम सुजन, सुजन, थैंक यू सुजन दा। तो दादा बहुत अच्छा है, तो हम लोगों का लगेज उसे ला दिया, एसी उसी सब ऑन हो गया हम लोगों का, तो अच्छा ही रूम। यहाँ पे टीवी है, ये दादा टीवी सेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पैंट शर्ट रखने के लिए एक छोटा सा अलमीरा है वुडन का, अच्छा है, पूरा वुडन फिनिश में, टीवी का बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ है। ये सामने में सेंटर टेबल है, खाना वाना करने के लिए चेयर है, एक ये मिरर है, और यहाँ पे ये बेड है हम लोगों का, ठीक है, और यहाँ पे कर्टन है, ये हम लोगों का बरंडा है, ठीक है, कपड़ा वपड़ा सुखाने देने के लिए, थोड़ा शाम को खड़ा भी हो सकता है, बैठ भी सकता है। तो ये बाथरूम है, कमोड है, गीजर है, ये बेसिन, बाल्टी, सब कुछ क्लियर है, फ्लोर पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, सब कुछ एकदम सही है, पसंद आया। तो चलिए ये हो गया, आप लोगों को दिखा दिया पूरा रूम का पिक्चर, आप लोगों को सब कुछ दे दिया, और यहाँ पे देखिए कर्टन है, ये खोल सकते हैं, ये बाहर का पूरा दृश्य देख सकते हैं हम लोग, पूरा सीनरी बाहर का, और यहाँ पे कर्टन दे देंगे तो पूरा प्राइवेसी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे भी एक विंडो है, एक सोफा है, ठीक है, यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है, यहाँ से आप लोग रूम सर्विस बुक कर सकते हो। चलो, तो नीचे रेस्टोरेंट है हम लोगों का, इन लोगों का नीचे खाने का जगह है, तो जगह भी निकल क्लीन है एकदम, सुबह से निकला हो, पूरा थक चुका हूँ, सुबह 5 बजे निकला हो घर से, तो चलिए नीचे जाके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते करके आके यहाँ फ्रेश होके फिर शाम को निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टे विद मी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, तो अभी बज रहा है 5:35, अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा जाएंगे सी बीच, क्योंकि आज ही आए हैं, तो आज ज़्यादा कुछ जा नहीं पाए हूँ, तो दोपहर को यहाँ पे एंट्री किया हूँ 12:30 बजे। तो लंच में हम लोग लिया था मटन करी, आलू फ्राई, दाल और चावल, ठीक है, तो यही खाना खाया दोपहर को। तो आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा मतलब फ़ोन का चार्ज नहीं था, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाया, और खा के ही सो गया था तुरंत क्योंकि बहुत टायर्ड था। तो अभी जाएंगे थोड़ा सी बीच में जाके थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे शाम को, फिर आके यहाँ पे डिनर करना है होटल में, तो देखते कितना बजे यहाँ पे जाके वहाँ पे बैठेंगे थोड़ा। तो चलिए आप लोगों को सी बीच का थोड़ा आप लोग साथ करा देते, तो स्टे विथ मी, मिलते हैं सी बीच में। तो अभी होटल से निकल रहा हूँ, तो जाएंगे अभी सी बीच, तो चलिए चलते। तो गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गया, ये पार्किंग है देखिए, और सुबह हम लोग यहीं से गए हैं, सामने जो रोड दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, वो सामने मेन रोड है, तो ये मार्केट है यहाँ का, चलिए आप लोगों को दिखाएंगे पूरा, देख लीजिए 360 डिग्री आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इधर थोड़ा मार्केट है आप लोगों को दिखा दे, और आ गया हूँ सी बीच पे, दीघा का इच्छा था, मन था आने का, इस गर्म में सी बीच पे बैठे का मज़ा ही अलग है,
तो चलिए देखते हैं, कुछ खाना पीना करेंगे, फिर थोड़ा बैठेंगे यहाँ से आराम तक, आराम से फिर जाएंगे होटल, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से, साथ में रहिए, स्टे विद मी। चलिए ये देखिए यहाँ पे सब वॉकर लोग बैठा हुआ है, बैग साथ, पूरा मार्केट है, ये पूरा सी बीच दिख रहा है आप लोगों को, पास में जाके आप लोगों को दिखाएंगे, जाएंगे पास में तो थोड़ा फोटो वोटो यहाँ पे खींच लेते हैं, क्योंकि शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा तो और फोटो खींच नहीं पाएंगे। ये भी सब अगला का गेट है, देखिए अंदर किया है, ये देखिए कितना अच्छा फोटो वोटो खींचते। पहले जब भी हम लोग आए थे तो यहाँ पे फोटो खींचा था यहाँ पे बैठ के, तो बहुत साल पहले, वो 2018 में, तो अभी फोटो खींचेंगे यहाँ पे। ये गेट है, ये सामने देखिए सी बीच कितना अच्छा, कितना सुंदर हवा दे रहा है, क्या बताया आपको। तो यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो हो गया, हमने फोटो खींचा हो गया, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, तो यहाँ पे हमने फोटो ले लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा, अभी शाम होते होने को आ रहा है, अभी 4:20 हो रहा है, तो देखिए कितना अच्छा, जाके वहाँ पे सामने कहीं भी जाके बैठेंगे, ठीक है। ये देखिए समंदर का सामने आ गया हूँ, सामने एकदम बैठने की जगह है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब कोई, ये देखिए बैठा है यहाँ पे पूरा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, बैठ के थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा बीबर हम लोग कुछ खाएंगे, आके आराम से बैठेंगे। ये शाम होने को आ रहा है, धीरे धीरे शाम हो रहा है, देखिए कितना स्काई कितना अच्छा लग रहा है, वेदर कितना अच्छा है। अभी थोड़ा उठ के जा रहा हूँ, मार्केट थोड़ा देखेंगे, थोड़ा आप लोगों को दिखाएंगे कैसा मार्केट है, दीघा का पूरी का आप लोगों को दिखाया, दीघा का दिखाएंगे शाम का मार्केट कैसा सीवीज का। तो चलिए चलते आगे बढ़ते, बढ़ के आपको दिखाते हैं। को गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, ये गोलगप्पा, ठीक है, 10 रुपया में 4 पीस है ना आंटी, 10 टका 4 टे, 10 रुपये में 4 पीस, ठीक है। सी सेल मार्केट दीघा न्यू, ठीक है, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है, ये एक मार्केट है, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मार्केट है, सी बीच का एकदम सामने ही है ये।
तो मार्केट खत्म हो गया, आप लोगों को दिखाया, तो आ गया है बाहर। वो अंदर बहुत गर्म है, ये सी बीच है, फिर आ गया बाहर। अभी थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे। अभी बज रहा है 8:20, तो अभी थोड़ा टाइम है हाथ में, थोड़ा बैठेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर होटल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर। तो अभी हम लोगों का आज के लिए सी बीच का जर्नी हो गया। ठीक है, आराम से कुछ टाइम बैठ लिया, हवा हवा खा लिया, अभी जा रहा है खाना खाने के लिए। चलिए आगे मिलते हैं। ये पूर्वा सा है, पहले खाना खाया था, एक बार देखते जाके अंदर कैसा खाना है। तड़का और रोटी का ऑर्डर किया हूँ, एक तड़का और रोटी। ठीक है, तो यहाँ से खा के चल जाएंगे सीधा होटल। अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा रेस्ट लेंगे। एक तड़का, ये रोटी। तो यहाँ पे खाना हम लोग हो गया, तड़का रोटी ठीक ठाक था, अच्छा कुछ नहीं था, ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो चलिए चलते हैं होटल, एक कोल्ड ड्रिंक्स लेना है। तो अभी होटल के रूम पे आ गए हैं। ठीक है, तो अभी ब्लॉग एंड करना है, तो सुबह से थकान है, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना पीना सब हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड जय हिंद। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kill.